हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही सेहतमंद रेसिपी जो कि हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे आँखों के लिए, बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप देखकर समझ गए होंगे कि ये क्या रेसिपी है और बहुत लोग नहीं भी समझे होंगे, तो मैं बता दूँ, मैं आज बनाने जा रही हूँ लाल साग के डंठल की सब्जी। तो पहले ये सब्जी सब लोग खाया करते थे, मतलब हमारी दादी हो गई, नानी हो गई, या फिर पहले के लोग इसे ज़्यादा पसंद करते थे, बट अब इसे काफ़ी ज़्यादा स्किप किया जा रहा है क्योंकि साग तो सब एज यूजल बना लेते हैं, बट इसके डंठल को बनाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लोग इसे स्किप करते हैं, फेंक देते हैं। बट इसका बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन फुल होता है, यह विटामिन ए सी से भरपूर, आँखों के लिए, बालों के लिए, हमारे बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो इसे एक लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन हो वो हमारा आपके तक पहुँचते रहे। तो चलते हैं वीडियो के साथ और बनते हैं इस वीडियो में। तो लाल साग की डंठल बनाने के लिए मैंने लाल साग जो है लगभग हाफ के जी का खरीद लिया था, और साग की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर दी है आप लोग को। और उससे जो ये हमारे शेष बच गए थे डंठल, काफ़ी लंबे ये साग थे यहाँ जो हमारे साइड मिलता है, तो इस डंठल को हमें फेंकना नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा रेसिपी बनकर आएगा आपके सामने और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए। तो चलते हैं रेसिपी देखते हैं। तो इस तरह से आपको ये डंठल को बनाना है, यानी कि डंठल को जो है आपको नाइफ से हाफ कट लगाना है बिल्कुल, और इस तरह से आप निकालेंगे तो इससे एक रेशा निकलेगा। इससे क्या है, आपको चबाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम है जैसे हम लोग सहजन बनाते हैं, मुनगा बनाते हैं, उसी प्रकार से ये डंठल को आपको बनाना है। हाफ कट करते हुए इसे निकालना है और इसमें जो भी रेशे हैं इससे निकाल दें। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर आता है सब्जी, काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे साग के साथ भी ऐड कर सकते हैं बारीकी से कट करके, अदरवाइज इसे अलग से आप बना भी सकते हैं। तो ये देखिए, मैं सेम इस तरह कट कर रही हूँ, और जैसे ही आपको रूट्स के पास, जड़ के पास थोड़ा सा हार्ड लगे आप इसे स्किप करें, हटा दें इसे। तो सेम ऐसे देख सकते हैं यहाँ से। तो ये मैंने इतने सारे जो है डंठल, कहा जाए तो अच्छे से बना लिया है, बिल्कुल ही फ्रेश, और ये काफ़ी ज़्यादा कहे जाए तो खींचे हो गए हैं क्योंकि मैंने इसके सारे रेशे जो है निकाल दिए हैं अच्छे से, और ये पकने के बाद काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आएगा। आप जान नहीं पाएंगे कि ये वही डंठल है जिसे हम फेंका करते हैं, स्किप करते हैं साग के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर मैंने डंठल को अच्छे से धो लिया है दो तीन पानी, और साथ ही मैंने ले लिया है एक आलू को कट करके, और ये मैंने कुछ चने भिगोए थे 4-5 घंटे पहले। तो हम जो सब्जी बनाएंगे साग के डंठल का और आलू और चने के साथ, बहुत ही अच्छा सब्जी। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है और मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल, तो ये लगभग 3 चम्मच का होगा कहा जाए तो। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे जीरा, तो जीरा का जो फ्लेवर होता है काफ़ी अच्छा आता है सब्जियों में, साग में। आप चाहे तो सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। और देर ना करते हुए इसमें हम डालेंगे आलू। तो आलू को मैंने स्टार्टिंग में डाला है ताकि जो है आलू थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका कलर थोड़ा अच्छा आ जाए। हम इसे 2 से 3 मिनट चला लेना है, और जस्ट इसके बाद हमें सेम स्टेज में ऐड करना है साग के डंठल को। तो ये देखिए, साग के डंठल को मैं ऐड कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसका कलर ब्राइट लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यह खाने में। रेसिपी इतनी प्यारी बन के आएगी कि आप इसे कभी भी स्किप नहीं करेंगे, कभी भी इसे फेंकेंगे नहीं आप इसे। तो चलिए, इसे भी हमें 2 से 4 मिनट अच्छे से भून लेना है, और एक स्टीम इसे दे देंगे। एक स्टीम के बाद ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा डंठल का कलर हल्का सा फेड हो गया है, और कहा जाए तो ये कलर जो है हमारे आलू में भी आ गया है, देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा दिख रहा है ये। तो कलर आपको हल्का चेंज मिलेगा इसमें क्योंकि स्टीम के बाद मिलता है। और इसी स्टेज में हमें ऐड करना है चने। तो चने को ऐड करने का इस स्टेज में रीज़न ये है कि चने भी जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि ये उबले हुए चने नहीं हैं। और साथ ही हम ऐड करेंगे कुछ मसाले हमारे, तो मैंने नमक और हल्दी आधा चम्मच का, मिर्च और भुने हुए जीरे का पाउडर यूज़ किया है। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सा धनिया का पाउडर। तो हमें इन सब्जियों को 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम में भुनना है जिससे इसका
अच्छा सा फ्लेवर सब्जियों में आ जाए और मसाले हमारे अच्छे से पक जाए। तो सेम इस स्टेज में हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट, जो ये है हमारा सरसों और लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल आप इसे हल्का दरदरा ही ग्राइंड करें, इससे इसका बहुत ही अच्छा गुड फ्लेवर आता है। अगर आप फिश खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप इसे जो है इसका टेस्ट आप कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छा गुड फ्लेवर और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा बनता है। तो सरसों डालने के बाद आप इसे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए भूनें, क्योंकि सरसों ज़्यादा भूनने से भी कड़वाहट आ जाती है, आप ये जानते होंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया और 2 से 3 मिनट चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने सेम एज उसी बाउल से यूज़ किया है जिसमें मैंने मसाले को स्टोर किया था, और पानी का लेवल हमें उतना ही डालना है जिससे ये कम्प्लीट कवरअप हो जाए हमारी सब्जी, ज़्यादा आप ग्रेवी ना रखें। और इसे जो है हम देंगे एक स्टीम। तो मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है पानी वगैरह डाल के, और एक स्टीम मैंने इसे दे दिया। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी जो सब्जियां हैं काफ़ी अच्छे से पक जाती है, बिल्कुल चलाने में ही आपको ऐसा पता चल जाएगा ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक गई है। तो ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई, तो आप भी बीच में चाहे तो पानी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर सही है तो स्किप कर सकते हैं। इसी बीच मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच का गरम मसाला, जो कि काफ़ी अच्छा स्वाद लाएगा इसमें और काफ़ी अच्छा खुशबू के लिए भी है। तो ये मैंने डाल दिया। और ये तो डंठल की सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, साग के डंठल को कभी स्किप या फेंका ना करें, इसे इस तरह से ट्राई करें चने आलू के साथ, काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको और इसके जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में इतने बने रहने के लिए। आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, एक लाइक करें, और न्यू है तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।